नमस्कार साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि भूगोल संबंधी और पर्यावरण संबंधी पहले दो वीडियो बन चुके हैं जो आप लोगों ने देखा है, इसका यह तीसरा भाग है। ठीक है, तो इसमें आगे क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, तो पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन एक बलत पर्वत है, कौन सा बलत पर्वत है। ठीक है, तो बलत पर्वत में से हिमालय है, हिमालय एक बलत पर्वत है, नवीन बलत पर्वत भी बोलते हैं क्योंकि ये बाकी पर्वतों की अपेक्षा नया है और बलत पर्वत भी बोलते हैं इसको। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पठारी क्षेत्रों में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है। अतः इसमें कहने का मतलब ये है कि पठार इलाके जो हैं, जिसे नाम सुना होगा बुंदेलखंड का पठार, पामीर का पठार आदि, ठीक है, इस तरीके से जो पठार दक्षिण का पठार होता है, इस पठारों पर कितने परसेंट देश की जनसंख्या निवास करती है। तो इसका सही उत्तर है 9%। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भूकंप में धरातलीय तरंगें होती हैं। ठीक है, प्राथमिक गौण एल या प्राथमिक गौण कौन सी होती है, तो एल तरंगे कौन सी होती, धरातलीय तरंगे होती हैं। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं भूकंपीय तरंगे तीन प्रकार की होती हैं और जो अलग अलग प्रकार से होती हैं, लेकिन जो धरातलीय तरंगे होती हैं उन्हें एल तरंगे बोला जाता है। ठीक, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नवीनतम पर्वतमाला है। ठीक है, इनमें से नवीनतम पर्वतमाला कौन सी है। ठीक है, तो वो है यूराल पर्वत। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों ने सुना होगा कि हिमालय को एक तो नवीन बलत पर्वत कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी जगह पहले टेथिस नाम का सागर हुआ करता था। ठीक है, टेथिस नाम का सागर हुआ करता था जिसकी जगह हिमालय की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, जिसके भूसन्नति से हुई है। ठीक है ना, तो इसका उत्तर होगा बी, टेथिस सागर, टेथिस नामक। विषुवीयत ज्वालामुखी किस देश में स्थित है, विषुवीयत ज्वालामुखी किस देश में स्थित है। ठीक है, तो इसका आंसर है इटली। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, माउंट एरीबस ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में है। ठीक है, तो महाद्वीप ध्यान रखना है कौन सा है, अफ्रीका। ठीक, अफ्रीका महाद्वीप में माउंट एरीबस ज्वालामुखी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वायुमंडल में सबसे अधिक ओजोन कहाँ पर केंद्रित है। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि वायुमंडल में कुछ मंडल होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से पहला ये क्षुभ मंडल होता है, समताप मंडल होता है, मध्य मंडल होता है, ठीक है, आयन मंडल होता है, इस प्रकार से चार मंडल होते हैं, वायुमंडल में लागे पाँच मंडल होते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि ओजोन मंडल कहाँ पर होता है, जो ओजोन परत है वो कहाँ पर होती है, समताप मंडल में। ठीक है, समताप मंडल मानी स्ट्रेटोस्फीयर का आंसर होगा ए, समताप मंडल को इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि मतलब दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है, तो सबसे दूर कौन सी है, आयन मंडल। ठीक है, आयन मंडल के बाद वायुमंडल आता है जो कि अनंत काल तक है, लेकिन इसका आयन मंडल सही आंसर होगा। ठीक है, आयन मंडल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी किस सतह से परावर्तित होती हैं। ठीक, तो दीर्घ रेडियो तरंगें होती हैं आयन मंडल से। ठीक है, इस प्रकार से पृथ्वी से ऊपर जाती हैं और लौट के वापस आती हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, संचार उपग्रह किस वायुमंडल स्थिर में स्थित होते हैं। संचार, तो यह भी कहाँ होते हैं, आयन मंडल में। ठीक, अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल के किस भाग में जलवाशी कुल मात्रा का 90% भाग विद्यमान है। ठीक, वायुमंडल का, तो हम जानते हैं कि वायुमंडल सबसे पास वाली मंडल में होगा। ठीक है, तो वह होता है क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फीयर भी बोलते हैं, क्षोभ मंडल का सही आंसर होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, सामान्य वायुदाब पाया जाता है, सामान्य वायुदाब कहाँ पाया जाता है, रेगिस्तान पर्वतों या सागर तल में। ठीक है, तो कहाँ, सागर तल पर पाया जाता है। ठीक है, सी इसका आंसर होगा। वायुदाब में अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक है। ठीक है, मतलब वायुदाब में अचानक अगर कोई कमी आ रही है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि तूफान मौसम आने वाला है, तूफान आने वाला है। ठीक है, आप लोग इन क्वेश्चनों को पॉज करके खुद भी करके पहले कोशिश किया करो कि आप लोग इनमें से पहले से कितने कर सकते थे, और उतने को कमेंट में लिखना। ठीक,
वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? ठीक है, कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? ठीक है, तो रसायन मंडल का कौन सा भाग है? समताप मंडल, जिसमें ओजोन परत पाई जाती है, समताप मंडल। ठीक, अगला है, उच्च दाब क्षेत्र में भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती हैं, मतलब जो पवनें होती हैं ये व्यापारक पवनें, व्यापारक पवनें कहते हैं। ठीक, इसका आंसर होगा व्यापारक पवनें। अगला क्वेश्चन है, हवाई जहाज प्रायः किस में उड़ते हैं? तो हवाई जहाज कहाँ करेंगे उड़ेंगे? जहाँ पर वातावरण एक समान होगा, यानी समताप मंडल। ठीक है, समताप स्ट्रेटोस्फीयर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वायुमंडल की सबसे निचली परत कहलाती है, सबसे निचली परत ट्रोपोस्फीयर छुम मंडल कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, चक्रवात की आकृति इनमें से किस प्रकार से होती है? चक्रवात की आकृति किस प्रकार की होती है? गोलाकार, त्रिभुजाकार, अंडाकार। ठीक है, अंडाकार सही आंसर होगा। ये सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो परीक्षाओं में अधिकांश आते हैं, इनको नोट भी कर लेना। चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? शांत क्षेत्र क्या कहलाता है जहाँ पर शांत हो? ठीक है, तो उसे चछु बोलते हैं, इसको ध्यान रखना, चछु। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ को क्या कहते हैं? जो रेशेदार मेघ बादल दिखाई देते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको पक्षाभ बोलते हैं, पक्षाभ। इनको वेरी इंपॉर्टेंट में ध्यान रखना। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, जो कि आप जानते होंगे, मौनिश्राम है। ठीक है, इसका आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन सा है? सबसे शुष्क स्थल है अटाकामा, अटाकामा। ठीक है, इसका मरुस्थल का भी नाम सुना होगा इसका, इसी नाम से। ठीक है, तो शुष्क स्थल कौन सा है? अटाकामा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील है। ठीक है, सब विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? नाम भी है सुपीरियर झील, सुपीरियर झील। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत के नाम से जाना जाता है? किस वायुमंडलीय परत को मौसमी परिवर्तन की छत से जाना जाता है? ठीक है, छत के नाम से, तो वह है क्षोभ मंडल, क्योंकि मौसम संबंधी सारी घटनाएं काय में होती हैं क्षोभ मंडल में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? ठीक है, तो बैकाल झील सबसे गहरी झील है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजल जलप्रपात। ठीक है, वेनेजुएला में है, केरो नदी पर। अगला क्वेश्चन है, नियाग्रा प्रपात कहाँ पर है? तो अमेरिका में, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल, पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल मृत सागर में है। ठीक है, मृत सागर है। अगला क्वेश्चन है, रेगिस्तान में बादल अवक्षय होकर क्यों नहीं बरसते? वो कम आर्द्रता होने के कारण नहीं बरसते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश अंगलीनुमा झीलों के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो अमेरिका में, यूएसए में अंगलीनुमा झील पाई जाती हैं। ठीक है, जी बॉर्डर में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक लवणीय झील कौन सी है? तो इसको भी आप लोग जानते हुए पहले से, बॉन झील है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी खारी खारे जल की झील कौन सी है? तो वह है कैस्पियन सागर। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अरल सागर झील किस देश में स्थित है? अरल सागर झील किस देश में स्थित है? ठीक है, तो अरल सागर झील कजाकिस्तान में स्थित है, कजाकिस्तान में। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? ठीक है, तो कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है। कौन सी झील है? कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी झील है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है? तो वह है फिनलैंड। ठीक, फिनलैंड में बहुत सारी झीलें हैं, इस वजह से हजार झीलों के नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है? सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो एंजल जलप्रपात है वेनेजुएला में, जो कि पहले ही बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन, एंजल जलप्रपात किस नदी पर है? ठीक है, तो कोरोनी या केरो नदी भी लिखा मिलता है, सी इसका आंसर होगा। बोयामा जलप्रपात किस नदी पर है? तो जेर नदी पर, इसका सही आंसर होगा डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, स्वेज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ था? ठीक है, तो इसका निर्माण प्रारंभ हुआ था 1854 में, 1854 में। कौन सी नहर बाल्टिक सागर और को उत्तरी सागर से मिलाती है? ठीक है, तो कील, कील नहर है जो बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्रा नहर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है?
तो वह है थाईलैंड में। ठीक, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन सी है, मतलब जिसमें सबसे ज्यादा जहाज वगैरह जाते हैं, तो जहाज रानी नहर कौन सी हो गई, स्वेज नहर। ठीक है, सी अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी एक झील तंजानिया एवं युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। ठीक है, विक्टोरिया झील तंजानिया और युगांडा के बीच सीमा बनाती है। विश्व की सर्वाधिक खारे जल की झील बोन झील किस देश में स्थित है। ठीक, तो वो है तुर्की, तुर्की में। ठीक, अगला क्वेश्चन है। स्वेज नहर की लंबाई कितनी है। स्वेज नहर की लंबाई इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, इसकी लंबाई 168 किलोमीटर। अगला है, स्वेज नहर कब बन के तैयार हुई। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन था कब बनना शुरू हुई थी, यह है कब बन के तैयार हुई, 1869 में। ठीक है, 1854 में ये बनना स्टार्ट हुई थी और 1869 में है बन के तैयार हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह महाद्वीप बर्फ से ढका हुआ है। ठीक है, इसलिए श्वेत महाद्वीप कहते हैं। दोस्तों, यह है कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।